हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दिस हांडे आर्शल्स इंस्पायर्ड मेकअप लुक। आप लोग उन्हें हयात के नाम से भी जानते हैं। शी इज़ अ ब्यूटीफुल टर्किश एक्ट्रेस और मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हयात का मेकअप लुक रिक्रिएट कीजिए, तो मैं ये वाला लुक रिक्रिएट करने जा रही हूँ। और बहुत ही ईजी है करना, बहुत ही सिंपल है। आप चाहें तो आप ये लुक कॉलेज के लिए रिक्रिएट कर सकते हैं, ऑफिस के लिए कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी है करना और बहुत ही फ्रेश है, स्पेशली फॉर समर्स। So if you're interested how to create this Hayat inspired makeup look, then please keep on watching. तो ब्राउज के लिए मैं यूज कर रही हूँ रिमल की ब्राउ पेंसिल। आप चाहें तो आप कोई भी ब्राउ प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इस लुक में हयात की जो ब्राउज हैं वो थोड़ी सी डार्क हैं और थोड़ी सी थिक हैं, तो मैं इसी तरह से अपनी ब्राउज को फिल करूंगी। तो सबसे पहले मैं अपनी ब्राउज को थोड़ा सा थिक ड्रॉ कर लूंगी इस तरह से, इस पेंसिल से। और बहुत ही इजी होता है पेंसिल्स के साथ अपनी ब्राउज फिल करना, तो स्पेशली अगर आप कॉलेज जाते हैं, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप बहुत ही इजीली फिल कर सकते हैं पेंसिल्स के साथ। और जो भी एम्प्टी स्पॉट्स होंगे मैं उनको भी इस तरह से फिल कर लूंगी। और थोड़ी सी डार्क करने के लिए ब्राउज को मैं ब्लैक आई शेडो यूज कर रही हूँ। और बहुत ही हल्के से मैं अपनी ब्राउज पे इस तरह से हल्का सा सेट करूंगी अपनी ब्राउज को। उससे बहुत ज्यादा नहीं आप डार्क आई शेडो अप्लाई कर लें, तो मैं हल्का सा ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से। नाउ मूविंग ऑन टू द फेस, सबसे पहले मैं स्ट्रोबिंग ड्रॉप्स यूज कर रही हूँ फ्रॉम ऑस्टेरिस कॉस्मेटिक्स। ये ब्रॉन्ज ड्रॉप्स है और इनको मैं अप्लाई करूंगी सिर्फ अपनी चीक्स पे, और उसके बाद मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी यूजिंग अ डार्क स्पंज। तो इस लुक में हयात ने बहुत ज्यादा कॉन्टूरिंग नहीं की है, तो थोड़ी सी उनकी जो फेस है वो थोड़ा सा ब्रॉन्जी और बहुत ही ग्लोई है, तो उसके लिए मैं ये ड्रॉप्स यूज कर रही हूँ। नाउ मूविंग ऑन टू द फाउंडेशन, मैं यूज कर रही हूँ स्टेलिस की स्टेपुड फाउंडेशन। बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है ये और बहुत ही मैट फिनिश फाउंडेशन है, स्पेशली अगर आपकी कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है, उसके लिए फाउंडेशन बहुत अच्छी है। तो मैं अच्छे से इसको अप्लाई कर लूंगी यूजिंग अ डार्क स्पंज। एंड स्पेशली अगर आप कॉलेज जाते हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं, उसके लिए फाउंडेशन बहुत अच्छी है क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है। कंसीलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन का मास्टर कंसीलर, और मैं एक ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई करूंगी अंडरनीथ माय आईज, जहां जहां मैं फेस को हाईलाइट करती हूँ यूजुअली वहां पे। स्पेशली मैं फोकस कर रही हूँ ऑन सेंटर ऑफ माय फेस, क्योंकि इस वक्त में हयात का जो सेंटर ऑफ फेस है वो बहुत ही हाईलाइटेड था, तो इसलिए मैं अपने ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा कंसीलर अप्लाई करूंगी। और ये वाला कंसीलर बहुत अच्छा है, इट्स फुल कवरेज कंसीलर, बट थोड़ा जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आप जल्दी से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। नाउ यूजिंग अ डार्क स्पंज मैं अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर लूंगी। नाउ एज आई सेड, ये थोड़ा सा ड्राइंग कंसीलर है, तो टेक योर टाइम टू रियली ब्लेंड इन दिस कंसीलर। नाउ सेट करने के लिए अपने फेस को मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन का मैट मेकअप प्रेस पाउडर और एक स्मॉल टेपर ब्रश की हेल्प से। पहले मैं अपने सेंटर ऑफ फेस को सेट कर लूंगी जहां जहां मैंने कंसीलर अप्लाई किया था, और उसके बाद यूजिंग द सेम प्रेस पाउडर और एक पाउडर ब्रश की हेल्प से मैं अपने बाकी फेस को भी अच्छे से सेट कर लूंगी। नाउ आईज के लिए मैं यूज कर रही हूँ एसेंस का ब्रॉन्जर, ये वाला ब्रॉन्जर यूज करूंगी मैं।
अब इस लुक में आप देख सकते हैं हयात ने बहुत ज्यादा आई मेकअप नहीं किया है, बट उनकी आईज बहुत ज्यादा डिफाइंड है, स्पेशली द क्रीज। तो इसलिए मैं ये ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ और एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसको अप्लाई करूंगी अपनी क्रीज में एज माई ट्रांजिशन कलर। अब आप चाहें तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, बट जब आप अपनी आईज को अच्छे से डिफाइन करते हैं तो आपकी आईज बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं ये ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो आप कोई भी कलर का आई शैडो यूज कर सकते हैं। अब मैं यूज कर रही हूँ सिग्मा का ब्लैक जेल लाइनर। अब इस लुक में आप देख सकते हैं हयात की जो आईज है उसमें जो आई लाइनर है वो थोड़ा सा स्मज्ड आई लाइनर लुक है, तो मैं यही लुक रिक्रिएट करूंगी। और सबसे पहले एक आई लाइनर ब्रश की हेल्प से मैं इस जेल लाइनर को अप्लाई करूंगी ऑन माई आईज इस तरह से। तो आप सिंपल आई लाइनर अप्लाई कर लें यूजिंग अ जेल लाइनर। आप चाहें तो आप पेंसिल लाइनर्स भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद एक स्मॉल पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं इस आई लाइनर को स्मज करूंगी बिल्कुल हल्के से। और बहुत ज्यादा मैं कोई और ज्यादा प्रोडक्ट नहीं अप्लाई कर रही इस पे, बस इसी आई लाइनर को मैं हल्का सा स्मज करूंगी और थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी। और जो भी प्रोडक्ट ब्रश पे लगा होगा उसी को मैं विंग आउट कर लूंगी इस तरह से। तो मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं यूज कर रही। और स्पेशली ये लुक बहुत अच्छी लगती है अगर आप कॉलेज के लिए करना चाहते हैं, अगर आप ऑफिस के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी है। तो इस तरह से आप अपने आईलाइनर को इस तरह से स्मज कर सकते हैं। अब कंसीलर की हेल्प से मैं हल्का सा विंग को इस तरह से क्लीन कर लूंगी। अब मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ और उसके लिए मैं सेम जेल लाइनर यूज कर रही हूँ। अब मैं अपनी लैशेस को कर्ल कर लूंगी और मैं आईलैश कलर यूज कर रही हूँ। मस्कारा के लिए मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल का पैराडाइज मस्कारा और मैं अच्छे से अपनी लैशेस को कोट करूंगी इसे, स्पेशली मेरी लोअर लैशेस को, क्योंकि इस लुक में हयात की जो लैशेस है वो बहुत ही वॉल्यूमिनस लग रही थी, स्पेशली लोअर लैशेस। तो मैं अच्छे से मस्कारा अप्लाई करूंगी और ये वाला मस्कारा बहुत ही अच्छा है यू गाइज, अगर आपको कहीं से मिले तो आप प्लीज ट्राई करें इसको। इट्स एक्चुअली अ डूप ऑफ टू फेस मस्कारा। अब मैं सेम ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ सेंस का। अब इस लुक में आप देख सकते हैं हयात ने बहुत ज्यादा कॉन्टूरिंग नहीं की है, पर उनकी चीक बोन्स बहुत ज्यादा डिफाइंड है, तो इसी तरह से मैं अपनी चीक बोन्स को डिफाइन करूंगी। और मैं एक स्मॉल ब्रश यूज कर रही हूँ, स्मॉल कॉन्टूरिंग ब्रश, और मैं बहुत ज्यादा ब्रॉन्जअप नहीं कर रही। एज यू कैन सी जहां पे हॉलोनेस है मैं वहीं पे इस तरह से अपनी चीक बोन्स को डिफाइन करूंगी इससे। ब्लश के लिए मैं ये पीच ब्लश यूज कर रही हूँ एसेंस का। ये कैमरा पे थोड़ा लाइट है बट हल्का सा डार्क है। और रियल टेक्निक्स ब्लश ब्रश की हेल्प से मैं इसको अपनी चीक्स पे अप्लाई करूंगी और बहुत ही अच्छा ब्लश है ये, स्पेशली फॉर समर्स बहुत ही पीची और फ्रेश लुक देता है। अब इस लुक में एज आई ऑलरेडी सेड कि हयात का जो सेंटर ऑफ फेस है वो बहुत ही हाईलाइटेड लग रहा है, तो उसके लिए मैं हाईलाइटर अप्लाई करूंगी। और मैं एल्फ का हाईलाइटर यूज कर रही हूँ, मैं दिखाना भूल गई थी, मैं मेंशन कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक स्मॉल हाईलाइटर ब्रश की हेल्प से मैं इसको अप्लाई करूंगी अपने फेस पे, स्पेशली मैं फोकस कर रही हूँ ऑन द सेंटर ऑफ माई फेस इस तरह से। और मैं ज्यादा अप्लाई करूंगी थोड़ा सा क्लोज टू माई नोज एज वेल, और अपनी नोज को भी हाईलाइट करूंगी इससे। नाउ मूविंग ऑन टू द लिप्स, सबसे पहले मैं लिप लाइन कर लूंगी, उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिस का लिप लाइनर। ये बहुत ही न्यूडी पिंकी काइंड ऑफ शेड है और मैं अपने लिप्स को लिप लाइन करूंगी और इसी लिप लाइनर की हेल्प से मैं अपने लिप्स को फिल भी कर लूंगी। अब आप देख सकते हैं इस लुक में हयात मोस्टली जो है वो थोड़ी सी म्यूटेड लिपस्टिक अप्लाई करती हैं और थोड़ी मैट लिपस्टिक अप्लाई करती हैं, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ बाम कॉस्मेटिक्स की थोड़ी सी पीची लिपस्टिक है, तो इसलिए मैंने अपने लिप्स को पहले फिल कर लिया था विद अ न्यूड लिप लाइनर ताकि लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क हो जाए। और उसके ऊपर ये वाली पीची लिपस्टिक बहुत ही अच्छी लग रही है और ये मैट कलर की लिपस्टिक है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, तो मैं ये अप्लाई कर लूंगी। और सब लुक्स में हयात जो है वो थोड़ी सी म्यूटेड मैट कलर की लिपस्टिक्स ही अप्लाई करती हैं, अगर डार्क भी होंगी बट वो थोड़ी सी म्यूटेड होती हैं, बहुत ज्यादा डार्क नहीं होती।
फॉल्स लैशेज के लिए मैं मिंक लैशेज यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, बट हयात की इस लुक में जो लैशेज हैं वो थोड़ी सी वॉल्यूमिनस थी तो इसलिए मैं फॉल्स लैशेज अप्लाई कर रही हूँ। नाउ मूविंग ऑन टू दी हेयर, अब इस लुक में आप देख सकते हैं हयात ने थोड़े से आउटवर्ड कर्ल्स किए हैं, वो भी थोड़े लूज कर्ल्स हैं, तो मैं इसी तरह से लूज कर्ल्स क्रिएट करूंगी। उसके लिए मैं थोड़े थोड़े अपने बालों की सेक्शंस लूंगी और मैं यूज़ कर रही हूँ इरेजिस्टिबल मी की कर्लिंग वॉन्ड, मैं मेंशन कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत ही अच्छी वॉन्ड है ये, मैंने ऑलरेडी इस पर रिव्यू भी किया है, वो वीडियो भी मैं मेंशन कर दूंगी। और मैं थोड़ी थोड़ी सेक्शंस लेके और मैं सारे जो कर्ल्स हैं वो आउटवर्ड कर्ल्स क्रिएट कर रही हूँ, और जो ये कर्लिंग वॉन्ड है थोड़ी सी थिक वॉन्ड है ताकि थोड़े लूज वेव्स क्रिएट हो जाएं। तो दूसरी साइड पे भी मैं इस तरह से क्रिएट कर लूंगी। और थोड़े से कर्ल्स को ओपन करने के लिए मैं अपना कॉम यूज कर रही हूँ और इससे मैं थोड़े से कर्ल्स को इस तरह से ओपन कर लूंगी। अब आप चाहें तो आप हेयर स्प्रे यूज कर सकते हैं, बट मैंने नहीं यूज किया था। तो इस तरह से आप सिंपल लूज कर्ल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल लुक यू गाइज, आई रियली होप आप लोगों को ये हयात इंस्पायर्ड मेकअप लुक पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल, और फॉलो जरूर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, एंड प्लीज शेयर कीजिए मेरी वीडियोज एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल, एंड थैंक यू सो मच गाइज। आई रिसेंटली क्रॉस 50,000 सब्सक्राइबर्स ऑन माई यूट्यूब चैनल, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से है, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हैं, इतना सारा प्यार देते हैं, सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी यू गाइज, आई लव यू गाइज सो मच, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।